कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए, अगर मैंने इशारा कर दिया तो आपको दौड़ना पड़ेगा। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाया। अकबरुद्दीन ओवैसी पर बरसे गौरव भाटिया, बोले कानून से ऊपर कोई नहीं, अगर वर्दी अपना काम करने लगेगी तो इनकी सारी हेकड़ी निकल आएगी। भाई अकबरुद्दीन के बचाव में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, पुलिस को धमकी देने के मामले में बोले भाषण देने से रोका गया और हमारे पास इजाजत थी। जैन और हिंदू गाय का मांस मुस्लिम नाम से बेचते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। हलाल प्रोडक्ट पर बैन पर भड़के रजा अकादमी के मौलाना खलील उर रहमान नूरी। हमारी थाली में आकर देखोगे क्या खा रहे हैं, हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं, आपको क्या हक, आपके बाप का क्या राज है, आप लोगों को धमका रहे हैं, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गरीब और बेघरों को 2.5 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार। 75% आरक्षण के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बारी, नीतीश कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव। जोधपुर में 2 साल पहले सड़कों पर तलवारें लहरा रही थी, दंगाई कर रहे थे, यूपी में होते तो मेरा बिल्डोजर दंगाइयों को ठीक कर देता, राजस्थान में अशोक गहलोत पर बरसे योगी। कल कर रहे थे चैलेंज, आज भीगी बिल्ली की तरह कर रहे हैं बात, अकबरुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी नेता जफर इस्लाम का तंज। पनौती वाले बयान पर सियासत हुई तेज, भाजपा ने जताया विरोध, इलेक्शन कमीशन से राहुल खड़गे के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। रसिया और स्ट्रेचर लेकर सुरंग के अंदर गई एनडीआरएफ टीम, जल्द ही 41 लोगों को बाहर निकालेंगे। कांग्रेस की वजह से 2 बार पीएम बने नरेंद्र मोदी, रैली में बोले एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। पतंजलि कभी झूठा प्रचार नहीं करता, हमारे खिलाफ साजिश है, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी पर बोले बाबा रामदेव। अमेरिका ने नाकाम की खालिस्तान समर्थक पन्नू को मारने की साजिश, भारत को जारी की चेतावनी। अतीक अहमद का चचेरा भाई असलम उर्फ मंत्री हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने घोषित किया था इनाम। डीसीजीए ने एयर इंडिया पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ एनकाउंटर हुए, 2 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को अब केंद्र के बराबर डीए, निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद 4% की बढ़ोतरी, 5 लाख अफसर कर्मचारियों को होगा फायदा। कनाडा के नागरिकों के लिए भारत ने शुरू की वीजा सर्विस, निजर विवाद से बढ़ी टेंशन के बाद बंद हुई थी सेवाएं। दिल्ली में 350 रुपए के लिए 18 साल के लड़के की हत्या, पहले गला घोट कर किया बेहोश, फिर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार। विशाखापट्टनम में भीषण सड़क हादसा, छात्रों से भरे ऑटो के ट्रक से हुई टक्कर, 8 बच्चे बुरी तरह घायल। साइबर अपराध मॉड्यूल का भंडाफोड़, 24 जगह छापेमारी, 2.2 करोड़ हुए जब्त। उत्तरकाशी सुरंग हादसे के बाद अलर्ट मोड पर सरकार, सभी निर्माणधीन सुरंगों की होगी अब जांच। शिक्षक ने 4th क्लास के छात्र से जबरन करवाई उठक बैठक, चली गई बच्चे की जान। आसमान पर राज करने की तैयारी, वायुसेना को मिलेंगे 12 नई सुखोई फाइटर जेट्स, जारी हुआ 10,000 करोड़ का टेंडर।